दरवाजा अच्छा बनाऊँ कि लोग आए। तो बेसिकली जब मैं कंटेंट बनाता हूँ तभी मैं सोच लेता हूँ कि मुझे थंबनेल क्या बनाना है। तो अगर हम कंटेंट बनाते हैं तो हमारा 30% रेडी हुआ, लाइक अगर वीडियो शूट कर लिया, एडिट कर लिया, अब अपलोड भी कर दिया, तो समझो आपने 30% काम किया। आपका 70% रह जाता है थंबनेल और टाइटल का, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल ये प्ले करते हैं आपके वीडियोज़ को वायरल करने में या फिर आगे रिकमेंड करने में। स्टार्टिंग में अगर आपके वीडियोज़ पे क्लिक नहीं आ रहे तो यूट्यूब क्या करेगा, उसको डाउन कर देगा रीच उसकी। जिन लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया उनके तक भी वीडियो नहीं पहुंचती है, उन यूट्यूब को लगता है कि इस वीडियो में दम नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा रीच नहीं देता। और रही बात मेरे थंबनेल की, तो मैंने बहुत फिगर आउट किया कि क्या करूँ थंबनेल में ऐसा। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जब मैंने कंटेंट अपना जब ये चुना कि मुझे लोगों को इंस्पायर करना है, और बेसिकली लोग ज़्यादा करके जब जैसे मैं खुद मोटिवेट होता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है किसी काम ने मोटिवेशनल वीडियो देखा और थोड़ी देर के बाद मोटिवेशन डाउन हो जाता है, लेकिन जब कोई इंस्पायर होता है किसी से ना, तो वो लाइफ टाइम तक वो इम्पैक्ट रहता है हमारे अंदर कि इससे हमने ये चीज़ सीखी है, अगर इसने कर लिया ना तो मैं भी ये चीज़ कर लूँगा। तो वो जब फीलिंग आती थी मेरे अंदर, तो मैंने सोचा कि मुझे भी इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जिनको मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए कुछ करने का। क्योंकि मैंने जब मैं यूट्यूब पे आया था तो मैं भी किसी से और किसी को देख के इंस्पायर हुआ था कि यार ये लड़का कर रहा है, इसके पास ऐसी रिसोर्सेज हैं, ऐसी जगह से लड़का बिलोंग करता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और फिर उस चीज़ ने मेरी लाइफ बदल दी एंड धीरे धीरे मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। अब आते हैं थंबनेल पे। तो थंबनेल का जो येलो वाला जो पार्ट आपने बोला, मैं येलो कलर का क्यों चूज़ करता हूँ और उस पर ब्लैक कलर का टेक्स्ट डालता हूँ, जो येलो कलर है ना वीडियो में काफ़ी ब्राइट दिखता है, हर एक कलर से काफ़ी ब्राइट दिखता है येलो कलर, और उसमें जो ब्लैक है वो जल्दी से उभर जाता है। अब आपने देखा होगा फोन पे हमारे थंबनेल मिठाई सजाया हुआ है, बाहर दुकान के बाहर पोस्टर क्या लगाना है कि लोग मिठाई खाने के लिए आए हैं, क्योंकि ऑलरेडी और भी सारे लोग हैं जो मिठाइयाँ परोस रहे हैं, लाइक और भी सारे लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन लोगों को खींचना कैसे है। तो वो होना चाहिए कि लोग जैसे आपके थंबनेल के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है उसको पढ़े, उसको देखे, तो लोगों को मन करे इसको क्लिक करने का। अब लोग अगर क्लिक कर देते हैं उसके बाद ये होता है कि लोग आपके वीडियोस में कितनी देर तक बने हैं, ये भी मैटर करता है वीडियोस को आगे बढ़ाने में। तो जो ऑडियंस का जो रिटेंशन होता है वो हाई होना चाहिए। आप अगर क्लिकबेट बना रहे हैं, लाइक अपीलिंग थंबनेल बना रहे हैं, तो ये भी मैटर करता है कि आपने जो कंटेंट बनाया है लोग कितने टाइम तक देख रहे हैं, तब जाके हमारे वीडियोस और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि CTR मैटर करता है, लाइक अगर हमारी वीडियो जब हम पब्लिश करते हैं तो 100 लोगों ने, जब उसमें से 10 लोग क्लिक करते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि CTR काफ़ी अच्छा है, इसको और आगे बढ़ाओ। अगर उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने क्लिक करा तो उसको डाउन कर देगा, फिर हमारे वीडियोस आगे बढ़ती नहीं है। तो ये थंबनेल का पूरा किस्सा है, ऐसा मैंने पूरा एनालाइज किया है, मैंने पूरा रिसर्च किया है, अभी तक ये सही चल रहा है, तो आई थिंक दूसरों के लिए भी काम करेगा। तो कितना टाइम स्पेंड करते हो थंबनेल का, थंबनेल पे जो टेक्स्ट लिखना है? आई थिंक मैं शूट करने से पहले ही थंबनेल डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे थंबनेल ऐसा बनाना है, और जब मैं शूट करने के बाद मैं फोटो क्लिक करता हूँ उसी टाइप से, एंड फिर उसके साइड में मुझे क्या लिखना है वो पहले से प्लान रहती है। तो आई थिंक मैं पहले से कर लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं जब वीडियो रेडी हो जाता है फिर सोचते हैं यार आप थंबनेल क्या बनाएं, उनमें से एक मैं हूँ। चलो आई थिंक थंबनेल का काम पहले सोच लो, टाइटल थंबनेल क्या होना चाहिए, क्योंकि वीडियोज़ को वायरल करने में या फिर लोगों तक पहुँचाने में सिर्फ मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं रहा है तो मतलब क्या आपके प्रोडक्ट का, सही बात। तो लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना है कि थंबनेल, जैसे यूट्यूब में थंबनेल मैटर करता है, टाइटल मैटर करता है, तो इसके ऊपर आप ज़्यादा टाइम दो।